सिग्रा थाना क्षेत्र के काशी विद्यापीठ भारत माता मंदिर के समीप डंपर से कुचलकर महिला की मौत हो गई। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। डंपर चालक को पकड़कर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाड़ी स्मार्ट सिटी के तहत रोपवे में चल रही थी, लगी हुई थी, और गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है थाने पे, और ड्राइवर भी आ चुका है, लेकिन गाड़ी मालिक का इंतजार हो रहा है। क्या घटना हुआ है? घटना वहाँ पे ये हुई है कि गीता देवी है, रहने वाली माधोपुर की निवासी है, और वो नगर निगम के तहत जॉब करती थी, अब इसमें रिटायर हो चुकी है। कितने बच्चे इनके हैं? इनके एक बेटे हैं, दो बेटियाँ हैं, बेटियों की शादी हो चुकी है, अब बेटा है। क्या करने आए थे, कहाँ आए थे? ये सब्जी खरीदने आई थी अपने बेटे के साथ चनुआ सट्टी मंडी में, और सब्जी खरीद के इस पार आ रही थी, उसी में ये गाड़ी से चपेट में आ गई। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट से ही पीएम का स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पीएम पर रास्ते भर पुष्प वर्षा करेंगे। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी जानकारी मंगलवार को बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने दी। दिलीप पटेल ने बताया कि पीएम 22 फरवरी की रात काशी में आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 23 फरवरी को उनके तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री के तीनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद का आगमन 22 फरवरी को रात्रि में लगभग 9 बजे के आसपास होगा, और 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी का तीन प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें पहला कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन BHU पर, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के 22 विभागों के छात्रों को, लगभग 66 छात्रों को स्कॉलरशिप भी देंगे। 5 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से वहां पर पुरस्कृत करेंगे और एक छोटी सी संवाद करेंगे। वहां के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे बाई रूट श्री गोवर्धन मंदिर जाएंगे, संत रविदास जी के मंदिर पर। वहाँ जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वह है पूजन अर्चन का, और एक विशाल प्रतिमा का लोकार्पण का, लंगर छकने का, साथ ही साथ वहाँ पर एक बड़ी जनसभा, वो भी लगभग जिसकी संख्या 25 से 30 हज़ार के अनुमान है, 30 हज़ार की, वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ के बाद सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी करखियाँ पहुँचेंगे, जहाँ अमूल डेयरी प्लांट है, बनास डेयरी प्लांट है, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन करेंगे अमूल प्लांट का। लगभग 14,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का या तो शिलान्यास है या तो लोकार्पण करेंगे। गंगा किनारे बसाई गई टेंट सिटी पर NGT ने रोक लगा रखी। इसके बावजूद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में टेंट सिटी बनाने वाली कंपनी प्रवेग लिमिटेड ने 60 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने अक्टूबर नवंबर में गंगा किनारे तंबुओं का शानदार शहर बसाने की योजना बनाई है। वाराणसी में 124 निवेशकों ने करोड़ों रुपए की अलग अलग परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव दिए हैं। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की महापंचायत मंगलवार को बैरवन गांव में हुई। इसमें आगामी 24 फरवरी से व्यापक आंदोलन की घोषणा की। इस दौरान शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। चेताया कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, किसी भी सूरत में अपनी जमीन लूटने नहीं देंगे। भी कर गई, तो मोदी का स्वागत होई कि ना होई। अगर ना हमन का बात होई, ना हमन का समस्या समाधान का पहल होई, तो उन लोग का जवान दो खाते भी चला था, एक ना मानल जाए हमन का आंदोलन कर जाए होई ना। तो आंदोलन के बड़ा रूप तब यही जब एक बड़ी पंचायत योगी भाई सबसे बोले हम चाहे हो ट्रांसपोर्ट नगर का बटले बढ़ जा, रिंग रोड का भी लोग प्रभावित हो, रिंग रोड का लोगन का भी कुछ मिला ना हो, भी मुकदमा कही हूँ। ओकरे बाद काशी द्वार बैजिक सिटी स्पोर्ट सिटी सारे लोग आएंगे, वहाँ पे हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का योजना चला था, वो में भी किसान का दूर कर जाता नहीं, कुल का जवाब जब पूरा किसान बनारस को संगठित होकर देवे के तैयार बनल था, तो हम लोग का नेतृत्व।
राइफल क्लब शूटिंग रेंज में ऑटोमेटिक टारगेट मशीनें लगाई जाएंगी। इनके जरिए निशानेबाजों का सटीक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रवेश के पहले बहुमंजिला शूटिंग रेंज का उद्घाटन करेंगे। शूटिंग रेंज में 3.69 करोड़ रुपए की लागत से 36 मशीनें लगाई जाएंगी। 10 मीटर पिस्टल निशानेबाजी के लिए 22 ऑटोमेटिक टारगेट मशीन और 50 मीटर निशानेबाजी के लिए 14 ऑटोमेटिक टारगेट मशीनें मंगवाई जाएंगी। महिला पायलट पर्यटकों को ई रिक्शा से काशी भ्रमण कराएगी। इसके लिए 30 महिलाओं को 5-5 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण व शहरी आजीविका के लिए जयपुर की कंपनी ने पहल की है। इसमें न सिर्फ महिलाएं आय कर आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि पर्यटकों को भी सहूलियत होगी। टूरिस्ट को काशी भ्रमण कराने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से 30 महिलाओं का चयन किया गया है। कंपनी की ओर से महिलाओं को ई रिक्शा खरीद कर दिया जाएगा। डूडा और जिला उद्योग केंद्र से भी कंपनी ने संपर्क साधा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ और एलआईयू के जवान तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास नजर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 22-23 फरवरी को प्रस्तावित आगमन पर प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण हो गई है। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री का प्रमुख रूप से 23 फरवरी को ही 3 स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, जिसमें सबसे पहले वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के तहत वाराणसी के संस्कृत छात्रों को कॉपी किताब व स्टेशनरी बांटेंगे। जा रहा है उसमें 23 तारीख को लगभग सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे और 3 अलग अलग जगहों पे उनका कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो स्वतंत्रता सभागार बीएचयू में है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जो प्रतियोगिताएं वाराणसी में हुई थी उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, उनमें जो भी पार्टिसिपेशन हुआ था, जो विनर्स थे, वे सब हाल में रहेंगे। उन्हीं का ही वहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा भी कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उनमें कुछ छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और यूनिफॉर्म्स का, वो संस्कृत के विद्यार्थियों को किया जाएगा। इसके उपरांत जो रविदास जी का कार्यक्रम है, वहाँ पर रविदास जी की जन्मस्थली पर वे मंदिर में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके उपरांत मूर्ति और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जो उसी मंदिर के आसपास होना है, वो 100 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो श्रद्धालुओं की जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। तीसरा जो कार्यक्रम है वो हमारा करख्याओं में एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क पे है, जहाँ पे लगभग 14,000 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास किए जाएंगे। पीएम के आगमन के मद्देनजर मुख्य सचिव व डीजीपी ने अधिकारियों संग बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व बिजली व्यवस्था को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखते हुए कोई भी पावर कट नहीं होना चाहिए। उन्होंने नगर निगम को पूरे शहर के साथ सभी चिन्हित प्रमुख स्थलों पर सफाई की उचित व्यवस्था के साथ कूड़ा निस्तारण करने व सड़क पर घूम रहे पशुओं को गौशाला में पहुंचाने हेतु निर्देशित किया। मुख्य सचिव द्वारा पूरे कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन तथा मूवमेंट को लेकर उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने वाराणसी से सुरेंद्र पटेल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल वाराणसी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, साथ ही कुर्मी वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। पिछले दिनों अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे पर ही जो तस्वीरें सामने आई थी उसके कई हद तक स्पष्ट हो गया कि वाराणसी में सपा कांग्रेस को दरकिनार कर अपना प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई है।